एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। और हर गरीब को अपना घर मिल सके इसके लिए केंद्र और यूपी सरकार की तरफ से लगातार आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन अमेठी में सरकारी अफसरों की वजह से एक परिवार पिछले 3 साल से ग्राम पंचायत भवन में जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर है। ये मामला अमेठी के गढ़ी लालशाह गाँव का है, जहां 3 साल पहले घर में आग लगने के बाद एक गरीब परिवार के 2 भाई अपने परिवार के साथ गांव के बाहर जर्जर हो चुके ग्राम पंचायत भवन में रह रहा है। और सरकारी दफ्तरों के तमाम चक्कर लगाने के बावजूद ना तो अफसरों ने और ना ही ग्राम प्रधान ने इस परिवार की सुध ली। लेकिन अब ये मामला सामने आने के बाद अमेठी के CDO का कहना है कि एक भाई के खाते में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 3 किश्त ट्रांसफर हो गई हैं, जबकि दूसरे भाई के लिए भी घर सैंक्शन हो चुका है। लेकिन इन सब के बावजूद ये परिवार अब भी जर्जर इमारत में रहने को मजबूर है। यूपी में 11 जनवरी को फिर से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा, जिसको लेकर सीएम योगी ने वैक्सीनेशन कार्य की सभी तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि COVID-19 वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक किया जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कार्य में केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित किए गए क्रम का प्रत्येक दशा में पालन सुनिश्चित किया जाए। सीएम ने कहा कि COVID-19 वैक्सीनेशन के पहले चरण के टारगेट ग्रुप का डेटा फीड, दूसरे चरण के टारगेट ग्रुप की डेटा फीडिंग की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जाए। वहीं उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। वैक्सीन के लगाने की पूरी तैयारियां हो गई हैं, उसका ड्राई रन कल भी हुआ था, एक 11 तारीख को एक ड्राई रन फिर से कराने का की योजना बनाई गई है, ताकि ये एकदम से फुल प्रूफ व्यवस्था रहे, किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार की अव्यवस्था इसमें ना आए। और इसीलिए ड्राई रन फिर से एक बार 11 जनवरी को किया जा रहा है। यूपी में अपराधियों और माफिया की अवैध संपत्तियों के खिलाफ जारी अभियान की खबरें और अवैध कमाई से खड़ी की गई इमारतों को जमींदोज करने की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। लेकिन आज उन्नाव में एक भाजपा नेता के अवैध कब्जे को भी डहा दिया गया। मामला उन्नाव के बांगरमऊ तहसील के उमरखेड़ा गांव का है, जहां भाजपा नेता पुत्तीलाल गौतम के करोड़ों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन ने JCB चलवा दी। मौके पर लेखपालों और तहसील की एक टीम पहुंची थी, जिसने पहले जमीन की पैमाइश की और फिर अवैध कब्जे को तहस नहस कर दिया। लव जिहाद अध्यादेश को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार करते हुए अध्यादेश के खिलाफ याचिकाएं दाखिल करने वालों को पहले हाई कोर्ट की शरण में जाने को कहा है। याचिकाकर्ताओं ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में मामला लंबित होने का हवाला देते हुए अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद विरोधी अध्यादेश को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।